नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खबरदार के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बजट के हर बड़े और खास ऐलान के आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाले असर की बड़ी पड़ताल करने वाले हैं। आज तकरीबन पौने तीन घंटे के अब तक के सबसे लंबे बजट भाषण में जो बड़ी बातें निर्मला सीतारमन की ओर से की गई हैं, उसकी एक एक लाइनों का बड़ा विश्लेषण खबरदार के इस बजट स्पेशल बुलेटिन में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा असर, आप क्या करें क्या ना करें, किन बातों का खास ख्याल रखें। आपको बता दें, सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है उसको लेकर एक अलग तरह के कंफ्यूजन की स्थिति भी हालांकि पैदा हो गई है। चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से, यहां पर देखिए इन आंकड़ों पर आपके लिए नजर डालना बेहद जरूरी है। अभी तक 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता था, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले 5 से 10 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स लगता था, अब सरकार ने इसमें दो कैटेगरी बना दी है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। 5 लाख से 7.5 लाख तक पर 10% टैक्स लगेगा और 7.5 लाख से 10 लाख की इनकम पर टैक्स का नया रेट 15% होगा। अभी 10 लाख से ज्यादा की इनकम पर सीधे 30% टैक्स था, इसमें भी सरकार ने दो स्लैब बना दिए हैं। 10 लाख से 12.5 लाख के बीच 20% टैक्स लगेगा, जबकि 12.5 लाख से 15 लाख के बीच 25% टैक्स होगा। 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर अभी भी 30% टैक्स लगता है, जो आगे भी जारी रहेगा। नया टैक्स स्लैब जो है वो हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं और इसके जरिए किनको फायदा, किनको नुकसान, किनके जीवन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं, इसी का विश्लेषण हम आज करने वाले हैं। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बड़ी छूट का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उन्होंने इसमें एक ऐसी शर्त जोड़ दी है जिसे लेकर लोगों में कंफ्यूजन होना लाजमी था। उन्होंने कहा है कि लोगों के पास ऑप्शन होगा कि वो पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स दे या नए टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो आखिर क्या है ये माजरा, पहले आप वित्त मंत्री की जुबानी सुन लीजिए ये पूरी की पूरी कहानी, उसके बाद इसी पर करने वाले हैं आज हम चर्चा। इन द न्यू टैक्स रेजिम सर, सब्सटेंशियल टैक्स बेनिफिट विल अक्रू टू अ टैक्स पेयर डिपेंडिंग अपॉन द एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम्ड बाय हिम। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू मेक इट क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन अर्निंग 15 lakh of rupees in a year and not availing any deductions whatsoever will pay 1,95,000 as compared to 2,73,000 that he is paying now in the old regime. So this, his tax burden shall be reduced by 78,000 rupees. That will be the reduction in the tax that he has to otherwise pay. Then this is the example of somebody who earns 15 lakhs. He would still be a gainer in the new regime, even if he was taking deduction of 1.5 lakh under various sections of Chapter 6A of the Income Tax Act under the old regime. The new tax regime, sir, shall be optional for taxpayers. So there's no compulsion. Those who want to be in the old regime can continue to be in the old regime, in the old rates, in the whole sets of exemptions and deductions. But those who wish to come into the new are welcome to come into the new. An individual who is currently availing more deductions and exemptions under the Income Tax Act may choose to avail them and continue to pay the tax in the old regime. A new personal tax income tax rates will entail estimated revenue foregone of 40,000 crores per year. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की जुबानी आपने सुन लिया है कि आखिर वो कौन सी शर्त है जिसको लागू किया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपके मन में चल रही हर शंकाओं का हम कर देते हैं समाधान, विस्तार से आपको दे देते हैं इसके बारे में जानकारी। और उसके बाद हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे विस्तार से इस पूरे मामले पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। दरअसल नई टैक्स व्यवस्था के तहत घटे हुए टैक्स रेट्स उन्हीं टैक्स पेयर्स पर लागू होंगे जो पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलने वाली छूट को छोड़ेंगे, जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में छूट के नियम जारी रहेंगे। हालांकि नई टैक्स व्यवस्था में अभी भी टैक्स पेयर्स को 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर छूट का प्रावधान रखा गया है। सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था में छूट देने वाले नियमों में भी बदलाव किया है। अभी तक 120 तरह की टैक्स छूट लागू थी, जिनमें से सरकार ने 20 तरह की टैक्स छूट को हटा दिया है। तो अब सवाल यह है कि टैक्स व्यवस्था में इस बदलाव के पीछे सरकार का मकसद आखिर क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के मुताबिक नई टैक्स व्यवस्था से
सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिनकी आमदनी इनकम टैक्स के दायरे में तो आती है लेकिन वो सेविंग नहीं कर पाते। नई टैक्स व्यवस्था से 15 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को पहले के मुकाबले कम रेट से टैक्स देना होगा। हालांकि अगर कोई टैक्स पेयर इतना निवेश कर पा रहा है कि पुरानी टैक्स व्यवस्था से कम टैक्स चुका पाए तो वो पुरानी व्यवस्था चुन सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के मुताबिक नई टैक्स व्यवस्था उस दिशा में पहला कदम है जहां देश में सभी तरह की टैक्स छूट खत्म करके इनकम टैक्स की बहुत कम दरें लागू की जाएं। लेकिन अब सवाल यह है कि आम टैक्स पेयर्स कैसे तय करेगा कि वो नई व्यवस्था से टैक्स भरे या फिर पुरानी व्यवस्था से। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बजट बाजार का हिस्सा बन चुके हैं, विनोद जैन जी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यही है, देखिए लोग कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पुरानी व्यवस्था को ही नए तरीके से अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई है। आखिर सरकार इस नए टैक्स स्लैब के जरिए क्या बताना चाहती है? जो लोग कंफ्यूज हैं, मैं चाहूंगी कि बिल्कुल आम सरल भाषा में आप उनकी इन शंकाओं का समाधान कीजिए। देखिए, बेसिक बात यह है, सरकार ये चाहती है कि एकदम सिंप्लीफिकेशन हो जाए और जो लोग तरह तरह की डिडक्शन नहीं लेते हैं, मान लिया LIC में पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं या प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन उनका नहीं है या उन्होंने कोई मकान नहीं बनाया जिसमें 2 लाख रुपए तक का ब्याज का डिडक्शन है, अगर ऐसी कोई चीज उनके पास नहीं है तो उनको ऑब्वियसली नई वाली स्कीम में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसा वित्त मंत्री जी ने बताया कि 15 लाख में लगभग 78,000 रुपए का साल का फायदा होगा। तो आप ये सलाह दे रहे हैं कि पुराने की जगह आप नई व्यवस्था जो आज लेकर आई हैं वित्त मंत्री, उसको आप फॉलो कीजिए, उसमें आपका फायदा रहेगा। ये सब लोगों को ये सलाह नहीं है, ये हर इंसान को अपने हिसाब से देखना होगा। जैसे सैलरीड लोग हैं, उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, उन्होंने ऑलरेडी LIC की किस्त ले रखी है। आप अगर ऐसे SSC हैं जिसने ऑलरेडी मकान खरीद रखा है, उसके अगेंस्ट बोरो कर रखा है और 2 लाख रुपए तक की आप ब्याज की डिडक्शन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको नई स्कीम फायदा नहीं देगी। लेकिन एक और फायदा उन्होंने दिया है कि आप साल दर साल इसको चुन सकते हैं। इस साल आपको सूट नहीं करता, इस साल मत चुनिए, अगले साल सूट करता है, अगले साल चुन लीजिए। तो उस हिसाब से बहुत रीजनेबल मैं कहूंगा प्रोविजन है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ये जो चुनने की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है आज के इस बजट में, इसके पीछे का बड़ा मकसद आपको क्या नजर आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, बड़ा मकसद ये नजर आ रहा है क्योंकि कंपनियों को जो टैक्स पर छूट दी गई उनको 22% टैक्स किया गया या मैन्युफैक्चरिंग में 15% किया गया, तो सब तरफ से आवाज उठ रही थी सिर्फ कंपनियों को, बड़ी कंपनियों को क्यों फायदा दिया। तो हमें ऐसा लगता है कि एक पार्ट ऑफ द फायदा, लगभग 40,000 करोड़ रुपए का फायदा उन्होंने आम आदमी को, इंडिविजुअल RHF को भी देने का सरकार ने अपनी तरफ से सोचा है। हालांकि काफी मुश्किल था उनके लिए, बहुत बड़ा फैसला है, तो 40,000 करोड़ का फायदा उन्होंने दिया है। साथ में देखिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी उन्होंने हटाया है, उससे हमें ऐसा लगता है कि कंपनियां ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कर पाएंगी। पहले जो कंपनी 20 रुपए डिविडेंड देती थी, अब शायद वो 25 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दे पाएगी, क्योंकि अभी टैक्स जो है वो टैक्सपेयर के हाथ में जाएगा और टैक्सपेयर के हाथ में जाएगा तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। एक बहुत बड़ा चेंज और आया है, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं इस टैक्स स्लैब के विषय में बता दूं कि आपको ना तो आपका लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा, ना ही आपको हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन 10-13A की मिलेगी, ना ही आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, ना ही प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, ना ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो 1600 रुपए महीने का डिडक्शन है वो मिलेगा, ना ही मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, ना ही फूड एंड बेवरेज का जो आपके स्लिप होती है उसका मिलेगा, ATC भी नहीं मिलेगा और 2 लाख रुपए की डिडक्शन जो ब्याज वाली तो मैंने बताया। क्या फायदा हुआ इसका? लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ATCCD के जो 50,000 रुपए पेंशन वाले उनकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, पर सब लोग इतनी चीजों में निवेश नहीं करते हैं। बिल्कुल, देखिए लगभग 70-80% लोग ऐसे हैं जिनका इन निवेशों से कोई संबंध नहीं है, तो लगभग 70-80% लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। मेरे को लगता है 6,000 रुपए महीने का फायदा काफी बड़ा फायदा है। लेकिन एक जो आदत भारतीयों की रही है बचत करने की, आपको नहीं लग रहा है कि इस नई व्यवस्था से उस पर चोट पड़ेगी? मेरे को लगता है जबरदस्ती बचत करने से कोई थोड़ा बहुत हो सकता है 5-10% लोगों को फर्क पड़े, लेकिन आम हिंदुस्तानी टैक्स के बचाव के लिए पैसा नहीं बचाता है, वो अपने बुढ़ापे के लिए, अपने डिफिकल्ट टाइम के लिए, अपने बच्चों की शादियों के लिए, अपने लिए मकान बनाने के लिए, बहुत सारी वजह है जिनकी वजह से पैसे बचाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं कि टैक्स के लिए ही सिर्फ बचत नहीं करता है बल्कि अपनी अलग अलग जरूरतों के हिसाब से आम आदमी पैसे को बचाता है। लगातार विनोद जी से हमारी ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं, इस दशक के पहले और मोदी सरकार के 2.0 के इस दूसरे बजट में हर वर्ग के लिए कई ऐलान, कई बड़े प्लान के साथ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन सामने आए। ऐसे में हम आपको अब बजट 2020 को लेकर 20 बड़ी घोषणाएं बताने जा रहे हैं। सस्ते मकान की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी को 1 साल और बढ़ा दिया गया है। यहां पर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, सरकार ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट पर इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी है। मतलब अगर बैंक डूबता है तो बैंक के कस्टमर को
5 लाख रुपए तक मिल जाएंगे। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 27,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किए जाने की घोषणा भी की गई है। आज नई हाई स्पीड ट्रेन के साथ साथ नई तेजस ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया गया है। 4 नए रेलवे स्टेशन का निर्माण पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से मॉडल से करने की घोषणा भी आज की गई है। शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन। मार्च 2021 तक 150 नए डिप्लोमा इंस्टीट्यूट खोलेंगे जिसका आज ऐलान किया गया है। इसके अलावा नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान हुआ है। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। मिशन इंद्रधनुष जो 12 बीमारियों से लड़ता है उसका विस्तार होगा। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं 2025 तक सबसे महत्वपूर्ण भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भी सरकार ने निर्धारित किया है। अभियान का नाम होगा टीबी हारेगा देश जीतेगा। वहीं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 16 सूत्रीय एक्शन प्लान और जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए किसान रेल और किसान उड़ान योजना का ऐलान भी किया गया है। पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा इसका भी ऐलान किया गया। वहीं बागवानी फसलों के लिए एक जिला एक फसल योजना का जिक्र हुआ। 1 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचेगी। साथ ही महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना, 5 पुरातात्विक महत्व की जगहों को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। ये तमाम ऐलान किए गए हैं। 20 बड़े ऐलान हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा 19वें पर अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए अगले 3 साल में बिजली ग्राहकों को वितरण कंपनी चुनने की आजादी दी जाएगी। और 20वां बड़ा ऐलान अब रखते हैं आपके सामने और वो ये है कि जम्मू और कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए, लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इस सरकार ने। बजट 2020 के ये 20 बड़े ऐलान और इन 20 बड़े ऐलान के जरिए सरकार ने लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है। इसमें कैसी कामयाबी मिली है इस पर आगे हम दिखाएंगे लोगों की प्रतिक्रिया भी जो मिली जुली सामने आ रही है। लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं बजट के हाइलाइट्स, आपने देख लिया है। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा लंबे बजट भाषण की रही। ये बजट भाषण इतना लंबा था कि पढ़ते पढ़ते खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को पसीना आ गया। वैसे आपको बताते चले तकरीबन 2 घंटे 41 मिनट का ये लंबा बजट भाषण, इसके पहले 130 मिनट का बजट भाषण 2014-15 में दिया गया था अरुण जेटली की ओर से। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें 18,650 शब्दों का लंबा भाषण 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से दिया गया था। और सबसे छोटा भाषण 1977 में दिया गया था जो सिर्फ और सिर्फ 800 शब्दों का ही था। फिलहाल आखिरी 2 पन्ने छोड़ने पड़े निर्मला सीतारमन को। आज वो थक गई थी बिल्कुल बजट भाषण पढ़ते पढ़ते, क्योंकि 2 घंटे 41 मिनट कम नहीं होते हैं। हालांकि इस पर भी उनकी ओर से एक अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। लेकिन 2 घंटे 41 मिनट का बजट भाषण, उसके कुछ हाइलाइट्स। आई प्रपोज टू इंपोज अ नॉमिनल हेल्थ टेस्ट बाय वे ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम्स ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट कीपिंग इन व्यू। 2.5 घंटे से ऊपर हो चुके थे, बोलते बोलते अचानक निर्मला सीतारमण रुक गई। सब पूछने लगे कि क्या हो गया। वित्त मंत्री ने पानी पिया। पास में बैठे राजनाथ सिंह ने तुरंत पूछा, क्या आप ठीक हैं? निर्मला ने जवाब दिया, आई एम फाइन। स्पीकर ने पूछा तो कहा, बस अब 2 पन्ने बचे हैं। थोड़ा मुस्कुराई, हिम्मत जुटाकर फिर पढ़ना शुरू किया। Giving impetus to the domestic industry and also to generate resources for health services. लेकिन बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी, शब्द बाहर नहीं आ रहे थे, बोलना आसान नहीं था। बोलते बोलते वो फिर रुक गई। Propose to impose a nominal health set. चश्मा उतार दिया। कैबिनेट में उनकी साथी हरसिमरत कौर भागकर उनकी सीट पर आई। वित्त मंत्री पसीना पोंछ रही थी। सबने कहा बैठ जाइए। राजनाथ सिंह ने कहा, भाषण अब सदन के पटल पर रख दीजिए। सब जान रहे थे कि वित्त मंत्री की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन वित्त मंत्री बैठी नहीं, चश्मा पहनकर फिर भाषण पढ़ना शुरू कर रही थी। गले को राहत देने के लिए हरसिमरत कुछ कैंडी दे रही थी, लेकिन निर्मला बोली उन्होंने खाया हुआ है। इसके बाद वो फिर भाषण पढ़ने लगी।
I propose to impose a nominal health test by way of duty of customs on the import of medical equipment. सबको लगा कि अब ठीक है. Keeping in view that these goods are now being made significantly in India, the proceeds of this test shall be used. लेकिन सब ठीक नहीं था. तुरंत ही वित्त मंत्री ने स्पीकर से अनुमति मांगी कि वो बजट भाषण खत्म कर रही हैं. सबने कहा कि यही ठीक है. दो घंटे 40 मिनट निर्मला सीतारमण के लिए आसान नहीं था. इतनी देर तक बोलना 45 पन्नों के बजट भाषण में वो 44वें पन्ने पर आकर रुक गई. 44वां और 45वां पन्ना उन्हें भाषण से छोड़ना पड़ा. देखिए भाषण जरूर लंबा था और सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी की मैं हिम्मत की मैं दाद दूंगा. मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम जैसे युवाओं के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत हैं कि इतना लंबा भाषण उन्होंने जिस तरीके से खड़े होकर उन्होंने पढ़ा, लगभग 2.5 घंटे तक पानी का बिना एक घूंट पिए हुए, उसकी मैं जरूर मैं उनकी सराहना कर. एक 160 मिनट का बजट भाषण जो नया रिकॉर्ड है. ये रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण ने अपना ही तोड़ा है जो उन्होंने पिछले साल जुलाई में बनाया था जब उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट पेश किया था. तब वो 2 घंटे 17 मिनट बोली थी. आज वो 2 घंटे 40 मिनट तक बोली है. लॉन्गेस्ट बजट स्पीच आई हैव एवर हर्ड एंड इट्स नेवर हैपेंड. आई बिलीव सम मेंबर्स ऑफ द लोकसभा वर टेलिंग देम प्लीज ले द स्पीच ऑन द टेबल ऑफ द हाउस एंड लेट अस गो एंड हैव अ लंच. Such a long speech it was, and nothing on the actually what the budget should have. मुझे लगता है हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे लंबा बजट भाषण वित्त मंत्री महोदया ने दिया. दिल्ली के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ मिलेगा, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी. 2 घंटे से ऊपर बजट भाषण वैसे बार बार दिए गए. 2 घंटे से ज्यादा समय तक बजट भाषण पढ़ने वाले कई वित्त मंत्री हुए हैं, लेकिन अब तक किसी भी वित्त मंत्री ने निर्मला जितना लंबा बजट भाषण नहीं दिया. 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने 2 घंटे 13 मिनट का बजट भाषण दिया था. 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2 घंटे 10 मिनट का बजट भाषण दिया था. लेकिन शब्दों के हिसाब से सबसे लंबा भाषण 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का था, जिसमें 18,650 शब्द थे. इसके बाद 2017 में अरुण जेटली ने 18,604 शब्दों का बजट भाषण पढ़ा था. 1977 में हीरूभाई पटेल ने मात्र 800 शब्दों का सबसे छोटा भाषण दिया था. The speech was tremendously long and it's an historic speech because it's the longest ever budget speech. टोकनिज्म का बजट है, 2.5 घंटे आज तक की सबसे लंबी रिकॉर्ड स्पीच हुई. आते इतनी लंबा कोई वित्त मंत्री नहीं बोला. हर सेक्शन के बारे में नाम ले दिया गया, मगर क्या किया? कुछ नहीं. इस बजट की बड़ी बातों के बीच आज दिन भर एक बड़ी चर्चा वित्त मंत्री के लंबे भाषण और इस भाषण को 2 पन्ने पहले ही खत्म कर देने की रही. लेकिन बजट भाषण का अंत अब जैसे भी हुआ हो, शुरुआत अलग थी और जिसमें कश्मीरी कवि दीनानाथ कौल नदीम की लिखी कविता वित्त मंत्री ने पढ़ी. हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा. नवजवानों के गरम खून जैसा मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन. तो सुना आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, मेरा वतन तेरा वतन दुनिया का सबसे प्यारा वतन, और इसके जरिए भी उन्होंने आज जमकर सुर्खियां बटोरी. 2 घंटे 40 मिनट का लेकिन लंबा वो बजट भाषण, वो कौन सा आर्थिक मंत्र निकला उससे जिससे देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, लोगों को बेहतर जिंदगी मिल सके, इसकी व्यवस्था आज कैसे की गई, वो कौन सा आर्थिक मंत्र आज अपने इस बजट भाषण के जरिए इस देश को देने की कोशिश वित्त मंत्री की ओर से की गई है, अब जरा उसके बारे में जानना और आपको बताना बेहद जरूरी है. देखिए, दिस इज द बजट टू बूस्ट देयर इनकम्स एंड एनहांस देयर परचेसिंग पावर. अ सिंपलीफाइड न्यू सरकार ने जो सोचा है, क्या इस बजट से वो हो पाएगा? ये बड़ा सवाल आर्थिक सुस्ती के उस मुश्किल चुनौती से है जिसमें उम्मीद इस मुश्किल वक्त से किसी तरह से निकल जाने की है.
मुझे विश्वास है कि बजट इनकम और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, डिमांड और कंजम्पशन को बढ़ाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम और क्रेडिट फ्लो में नई स्फूर्ति लाएगा। ये बजट देश की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही इस दशक में भविष्य की अपेक्षाओं की भी पूर्ति करेगा। पीएम मोदी की दूसरी पारी में सबसे कठिन चुनौती अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ही रही है, जिसमें आर्थिक सर्वे भी सुधार की उम्मीद अगले साल बता रहा है। इसलिए ये मोदी सरकार का सबसे मुश्किल बजट भी था। टैक्स के एंगल से कहूंगा कि शायद एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो इंटरेस्ट पे थी वो नहीं हुई, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो था वो एक बहुत बड़ा एक बर्डन था, वो डीटीटी देने की वजह से एक इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिला, इंडिविजुअल को भी बेनिफिट मिला, क्योंकि आप और मैं अगर हम 5% या 10% के स्लैब में है, पहले टैक्स 20% कट के आता था। पूरा है ना एक सर्कल, जैसे कि होलिस्टिक सर्कल किया गया है, हर एक बिट्स एंड पीसेस को उसमें अच्छे से बिठाया गया है, चाहे वो फार्मर्स हो, मतलब कि छोटा फार्मर हो, थोड़ा बड़ा फार्मर हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर करता हो, सिंपल कुछ करता हो, या तो यूथ है, और उसमें भी अर्बन यूथ है, रूरल यूथ है। आप अर्बन यूथ को देखें तो मतलब कि जो पढ़े लिखे हैं इंजीनियर्स है, जिनको आज काम नहीं मिल रहा है, तो उनको जो अर्बन लोकल बॉडी के साथ अप्रेंटाइसशिप का बात किया है कि उनको उसके साथ जोड़ देंगे, दोनों के लिए अच्छा है। पिछले 2 साल आर्थिक मोर्चे में मुश्किल भरे रहे हैं और पिछले 1 साल से हालात हाथ से ऐसे निकले कि सरकार के पूरा जोर लगाने के बावजूद ऐसे संकेत नहीं मिले कि तत्काल ना सही आगे पीछे जल्द कोई बेहतरी आ जाए। अब सरकार की रणनीति और उम्मीद तो यही दिखती है कि हर सेक्टर में गिरती खपत को किस तरीके से बढ़ाया जाए, रियायतों के जरिए फिर से निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, खपत और निवेश बढ़ेगा तो फिर आर्थिक चाल भी तेज होगी। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टेक अवे है मेरे लिए राइट ऑफ कंज्यूमर। सो जो कंज्यूमर हैं उनको हक देना कि आप बिजली किसी से भी खरीदें, और इससे क्या होगा कि यूटिलिटीज जो कि क्रॉस सब्सिडी वगैरह चार्ज करके 9 रुपए बिजली का लेते थे, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ग्रो नहीं कर रही थी। तो ये मेरे को लगा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। दूसरा जो कुसुम के थ्रू फार्मर्स की इनकम डबल करना और उनकी जो अनयूटिलाइज्ड लैंड है या बैरन लैंड है उस पे सोलर लगाना, इसके थ्रू बहुत ज़्यादा सोलर में इन्वेस्टमेंट आने की संभावनाएं पैदा हुई हैं। और जो सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ थी जो प्रधानमंत्री जी ने की है, जो सॉवरेन वेल्थ फंड है और पेंशन फंड है, इनको टैक्स एग्जम्प्ट कर देना 2024 तक। मतलब आज क्या है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में ऑलरेडी 70 बिलियन का आ रहा था। लेकिन इस बजट में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है LIC में हिस्सेदारी बेचने के सबसे बड़े फैसले की, जिस पर राजनीति भी होना तय है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। 1956 में स्थापित LIC की कुल संपत्ति इस वक्त करीब 36 लाख करोड़ रुपए की है। LIC अभी तक पूरी तरह से सरकारी कंपनी है और सरकार की 100% हिस्सेदारी है। अब 100% हिस्सेदारी में सरकार एक हिस्सा बेचने के लिए शेयर बाजार में IPO लाएगी। इस IPO के जरिए सरकार का 72,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। LIC के साथ IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचकर कुल 90,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। इससे सरकार अपने विनिवेश के लक्ष्य और वित्तीय घाटे को कम रखने के लक्ष्य को पूरा कर सकेगी। ये बजट अगर कुछ कम होते तो 3 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं होते। ऑलरेडी मार्केट क्रम्बल कर रहे हैं, सेंसेस क्रम्बल कर रहे हैं, इसमें कोई रियलिस्टिक कुछ नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े बात कहे गए हैं, क्या किया है आप बताइए। वो कह रहे हैं कि हम इनकम टैक्स को छूट दिया, लेकिन एग्जेम्पशन और सारे जो सुविधा थे वो हटा रहे हैं। तो सारे चीज में कन्फ्यूजन है, सारे चीज में कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन। वो मैक्रो इकोनॉमिक जो फीचर दिखाया है उसमें रियल GDP की बात नहीं कहे गए, रेवेन्यू अर्निंग कितना होगा कोई टारगेट नहीं है, किसी का कोई टारगेट नहीं है। देखिए विपक्ष बेचारा है, उसे कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो एक कसम खा लिया है कि मुझे केवल विरोध करना है, इसके सिवा मैं समझता हूँ कि विपक्ष के प्रति कुछ भी कहना
बेकार। हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और आज बजट भी उसी तरह सारे सेक्टर को एक साथ एक माला में पिरो के रखा। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसके लिए मैं विशेष प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। जिस संवेदनशीलता से और डिटेल से निर्मला सीतारमन ने आज बजट का प्रस्तुतिकरण किया, धनलक्ष्मी और धान्य लक्ष्मी का जो समन्वय इस बजट में दिखा, और विशेष मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो टैक्स रिलीफ मिला है वो आज उनके लिए दिवाली से कम नहीं है। साथ ही बच्चों और महिलाओं के पोषण की जो चिंता इस बजट में की गई और जो आवंटन किया गया, उसके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं। दिल्ली के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ मिलेगा, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। पूरे देश के लोगों को इस बजट से एक दिशाहीन निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया, जिसकी वजह से अभी आपने देखा सेंसेक्स भी लगातार गिर रहा है। इस बजट में नौजवानों को रोजगार देने के लिए कोई दिशा नहीं, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए कोई दिशा नहीं, कोई योजना नहीं। किसान को उनके कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी, उनके मुआवजे किससे कैसी उनकी व्यवस्था होगी, उसकी कोई दिशा योजना नहीं। हालांकि LIC में हिस्सेदारी बेचने और बजट के दूसरे ऐलान पर विपक्ष यही कह रहा है, आर्थिक मोर्चे पर सरकार दिशाहीन है और बजट से ऐसा लग रहा है कि सरकार ने देश को उसके आर्थिक हाल पर छोड़ दिया है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग, जहां पर विरोध प्रदर्शन CAA NRC को लेकर लगातार जारी है। भारी भीड़ वहां पर देखी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच आज एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को हैरान और परेशान करके रख दिया। आपको बता दें कि शाहीन बाग धरना स्थल के पास आज हवा में गोली चलने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। देसी कट्टे से हवा में फायरिंग करने वाले शख्स का नाम कपिल बताया जा रहा है, जो कि दिल्ली के दल्लूपुरा का रहने वाला है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसने दो राउंड फायरिंग की थी, तभी दिल्ली पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उससे पूछताछ लगातार जारी है। गोली चलाने के बाद वो ये कहते सुना गया कि हमारे देश में सिर्फ हिंदुओं की चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। मैं और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। क्यों गोली चलाई? कपिल गुर्जर, कहाँ से रहने वाले हो? गांव दल्लूपुरा। गोली क्यों चलाई? क्योंकि हमारे देश में मैं ऐसा नहीं चाह सकता। हमारा देश है हिंदू राष्ट्रवादी क्षेत्र, इसलिए आया फायर करने के लिए। हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। क्यों गोली चलाई? कपिल गुर्जर, कहाँ से रहने वाले हो? अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक कपिल नाम के इस शख्स का किसी संगठन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन से नाराज है। शाहीन बाग में धरनास्थल के पास 28 जनवरी को लुकमान नाम के शख्स ने भी पिस्तौल लहराई थी, जबकि गुरुवार को जामिया इलाके में एक नाबालिग लड़के ने फायरिंग की थी, जिससे CAA के विरोध में जमा एक प्रदर्शनकारी छात्र जख्मी हो गया था। आज जिस लड़के ने फायरिंग की है वो हाई स्कूल पास है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसके पास हथियार कहां से आया। एक व्यक्ति जो शाहीन बाग जो रोड नंबर 13A है, जहां पे पुलिस बैरिकेड है, उसके पास में ये व्यक्ति एक हवाई फायरिंग करता हुआ वहां पर, जो पुलिस वहां पे तैनात था उन्होंने तुरंत उसको वहीं पे मौके पर ही ओवरपावर करके वहां पे उसको पकड़ा और उसको अभी हिरासत में ले लिया गया है और उससे अभी पूछताछ किया जा रहा है। अपना नाम कपिल बताता है, अभी उसकी जो जांच है वो अभी किया जा रहा है। पर्पस क्या था वहां पे आने का? वो अभी तक की पूछताछ में क्या बताया? ये तमाम अभी पूछताछ चल रहा है, उसके साथ अभी पूछताछ की जा रही है। सर प्रोफाइल क्या है, क्या करता है ये? ये जमुनापार में एक गांव बताता है, वहां पर उसका घर बता रहा है। जो भी डिटेल्स वो दे रहा है उसके बारे में अभी जांच किया जा रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें, कपिल के जानने वालों की ओर से जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक CAA और NRC को लेकर शाहीन बाग में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, कपिल उससे नाराज था। उसको हमें कुछ बता के नहीं गए कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा। उसे हमें अभी TV के माध्यम से आधे घंटे पहले पता पड़ी है कि ऐसा बात होगी। फिर हमने अपने भाई को गजे को फोन करा है, उनको बुलाया, उनको इत्तला दी है। तो शाहीन बाग के लिए थोड़ा चल रहा है, डिस्टर्ब है, मतलब उस तरह के रास्ते बंद है, अपने जो काम में दिक्कतें आ रही हैं। सज्जन कोई कभी आज तक कोई उसके कहीं विवाद नहीं, आज तक कोई विवाद किसी से कोई मतलब नहीं, किसी तरह का बहुत सज्जन और अच्छी तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पता नहीं क्या समझ में आई, मालूम नहीं।
इस पूरे मामले पर आपको बता दें सरकार की ओर से अब पहल की भी बात कही जा रही है। शाहीन बाग मामला जल्द ही खत्म हो इसको लेकर अब अलग तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज तक से बातचीत में क्या कुछ कहा है इस मसले को लेकर, जरा वो सुन लेते हैं। आज से दो दिन पहले आपके एक प्रतिस्पर्धी चैनल पर गया था जहां मुस्लिम समाज के लोग थे, वहां उन लोगों ने मुझसे पूछा कि बातचीत को तैयार है। हमने कहा कि स्ट्रक्चर्ड बातचीत के लिए आग्रह करिए, पहले एक जबान में बोलिए, आपके आगे कैसे बात होगी। और अब मैं टीवी पर देखता हूं कि जब तक सीए वापस नहीं होगा कोई बातचीत नहीं होगी, इतना ही तो मैंने कहा था। और वो पूरा हमारा प्रोग्राम मेरे फेसबुक पर है और मेरे सोशल मीडिया पर है, आप भी देख सकती हैं। तो इतनी ही बात है कि अगर बातचीत का कोई आग्रह करता है तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना पड़ेगा, यही तो मैंने कहा था। और सभी एक स्वर में बोले, और सभी एक स्वर में बोले।